गुड मॉर्निंग ओडिशा, आज नवंबर 2 तारीख गुरुवार। आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानको अनुरोध भिडियो टू गोटे गोटे लाइक कर देबे एवं हां चैनल टू दया करी सब्सक्राइब मध्ये कर नेबे। ता सहित आपण माने आमो भिडियो टू केउं जिल्ला देखुछंती कमेंट माध्यम रे आमो कमेंट करी निश्चय जणाइबे। तो चालंतु डेरी न करी आज प्रथम खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। दीपावली पूर्व महंगा माड़ बढ़ला व्यावसायिक गैस दर। 19 केजी एलपीजी गैस दर रे 100 टका वृद्धि होईची। दर बढ़िया पर राजधानी दिल्ली कमर्शियल गैस दर 1833 टंका रे पहुंची। पूर्वरु दिल्ली रे एही दर थिला 1731 टंका। सेहीपरी नुआ दर हिसाब रे देशर विभिन्न स्थान रे दर वृद्धि होईची। हेले घरै रसै गैस दर अपरिवर्तित रहीची। प्रतिमास पहिला रे गैस दर परिवर्तन होइथाय। गत किछि दिन तळे गैस दर सामान्य ह्रास पाइथिबा बेले पुणी गैस दर वृद्धि पाइची। तेबे घरै गैस रो दर अपरिवर्तित रहीथिबा बेले कमर्शियल गैस रो दर वृद्धि पाइची। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। कोलाहांडी यूनिवर्सिटी रो ना बदली हेला मां माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी, घोषणा कले मुख्यमंत्री। गतकाली कोलाहांडी प्रतिष्ठा दिवस रे जिलावासींकु बहु उपहार भेटी दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जिल्ला रे गतकाली लक्ष्मी बस चलाचल शुभारंभ करछंती मुख्यमंत्री। या सहित विभिन्न प्रकल्प शुभारंभ करछंती। जिल्ला पई 1200 कोटी टंका रो विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प शिलान्यास उद्घाटन करछंती। एही क्रम रे गतकाली मुख्यमंत्री कोलाहांडी यूनिवर्सिटी रो ना परिवर्तन नै घोषणा करछंती। कोलाहांडी यूनिवर्सिटी ना बदली गत काली ठारु हेला मां माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी। लक्ष्मी बस लोकार्पण समारोह रे एने मुख्यमंत्री घोषणा करछंती। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। नवंबर मास रे छुट्टी रहयो बैंक, तेबे आपनको किछि भी काम बैंक रे थिले शीघ्र सारि नियंतु। नवंबर पहिला रु आरंभ होइछि पार्वण ऋतु। किछि दिन परे धनतेरास, दीपावली, भाईजूत, छठ परि अनेक पर्व पालन करा जइबो। एही कारण रु हि देशर विभिन्न राज्य छुट्टी रहयो बैंक। एने ग्राहक पई छुट्टी तालिका प्रकाश करछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई तालिका अनुजाई नवंबर रे मोट 15 दिन छुट्टी रहइबो बैंक। एथिरे द्वितीय, चतुर्थ शनिवार एवं रविवार छुट्टी मध्ये अंतर्भुक्त शामिल होइछि। यदि आपनको बैंक रे किछि काम रहिजि तबे शीघ्र सारि दियंतु। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। गुजरात रे गडिला प्रथम हेरिटेज ट्रेन। गुजरात रे प्रथम थर एक हेरिटेज ट्रेन चलाचल आरंभ होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार पताका देखाई एही ट्रेन शुभारंभ करछंती। 3 बगी थिबा एही ट्रेन टी एकता नगर अहमदाबाद मध्यरे चलाचल करिवो। केभारीडिया रे निर्मित विश्वर सबुठारु उच्च स्टैचू ऑफ यूनिटी देखिवाकु आसुथवा पर्यटक माने एही ट्रेन जोगु विशेष भाबे उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। एही ट्रेन रो इंजिन पुरुणा बाष्पचालित इंजिन भळी देखा जाउतिले सुधा प्रकृत रे एहा बिजुली शक्ति द्वारा चालुछि। 3 बगी रे 48 आसन थिबा बेले एको शीतता पनियंत्रित डाइनिंग कार मध्य संयोग करा जाइछि। ट्रेन टी सप्ताह रे केवल गोटिए दिन चलाचल करिवो बोली जणा पडिछि। 182 किमी दूरता मध्यरे ट्रेन टी अन्य कौनसी स्टेशन रे अटकिबो नाही। पर्यटकों संख्या बढ़िले एही ट्रेन रो चलाचल अधिक वृद्धि करा जाई पारे बोली भददरा रेलवे डिविजन डीआरएम कहिछंती। चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। ओलिभ रिडले को सुरक्षा पई समुद्र माछ धरा उपरे लागिला कटकणा। ओलिभ रिडले कइंच सुरक्षा लागि समुद्र रु माछ धरिया उपरे लागिला कटकणा। आजिठारु 7 माह जाय एही कटकणा जाय रहिबो। मत्स्यजीवी मानकु उपकूल ठारु समुद्र भितर कु 20 किलोमीटर पर्यंत माछ न धरिया पई परामर्श दिआइछि। अन्यपटे ओलिभ रिडले को सुरक्षा पई नदी मुहाण रे शिविर खोला जिवो। एही शिविर गुडी करे वन विभाग कर्मचारी को मुतयन करा जिवो। सेमाने ओलिभ रिडले को सुरक्षा पई दायित्व नेबे। आसंता मे 31 तारिख पर्यंत ऋषिकोल्या, धामरा और देवी नदी मुहाण रु माछ मारिया को बारण कराइछि। प्राय 7 माह जाए मत्स्यजीवी माने समुद्र रु माछ न धरले सेमानों को आर्थिक अवस्था दुर्बल हो जिवो। तेणु प्रशासन तरफ रु संपृक्त मत्स्यजीवी को परिवार को आर्थिक सहयोग जगाइ दिया जिवो बोली सूचना मिलछि। ओलिभ रिडले को सुरक्षा पई प्रतिवर्ष राज्य सरकार को पक्षरु एभली कटकणा लगा जायथे। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नेबा। रेंडम आजि मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। कोलाहांडी देखिला विकासर नुआ सूर्योदय। प्रतिष्ठा दिवस रे कोलाहांडी जिलावासी देखिले विकासर नुआ सूर्योदय। कोलाहांडी जाय रूपांतरण प्रक्रिया को आगे दैछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। जिलावासी को 1200 कोटी टंका रो प्रकल्प भेटी दैछंती नवीन। कोलाहांडी रे नवनिर्मित शहीद रेंडम आजि मेडिकल कॉलेज रो उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री। एही अवसर रे छात्र छात्री सहित आलोचना करिछंती मुख्यमंत्री। पाठपढ़ा सहित सुविधा सुजोग संपर्क रे पचारि बुझिछंती मुख्यमंत्री। दीर्घ 2 दशंधि धरी जिलावासी को मेडिकल कॉलेज रो आशा पूरण होईछि। 481 कोटी टंका खर्च रे निर्माण होईछि भवानीपाटणा मेडिकल।
मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल 100 सीट रे नाम लेखा पाई एनएमसी थारु अनुमति देछि। एही मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल नाम कलाहांडी जिला रो महान स्वाधीनता संग्राम शहीद रेंडोमाजी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रखा जाइछि। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नबा। एलपीजी सिलिंडर मिलिब 474 टंका रे मुख्यमंत्री कले घोषणा। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन नै कांग्रेस क्रमागत भाबे विभिन्न घोषणा करूछि। निर्वाचन बैठक रे एपर्यंत 17 टी सीट घोषणा करछंती। गतकाली ट्वीट करी दल पक्षरु सस्ता गैस सिलिंडर देवा विषय सूचित कराई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्वीट करी लिखिछंती, देशर सबुठारु सस्ता सिलिंडर छत्तीसगढ़ उपलब्ध हेब। सिलिंडर मूल्य मात्र 474 टंका रे उपलब्ध हेब बोली से कहिछंती। प्राय 2 मास पूर्वे अगस्त 30 रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार घरै एलपीजी सिलिंडर मध्य 200 टंका ह्रास करथिले। यहा परे वर्तमान 14.2 किलोग्राम घरै एलपीजी सिलिंडर दिल्ली रे 903 टंका रे उपलब्ध होछि। रायपुर रे सिलिंडर मूल्य 974 टंका को आछि। तेबे कांग्रेस सरकार क्षमता को आसिले सस्ता सिलिंडर जगाइ दिया जो बोली घोषणा करी सीएम भूपेश बघेल एक मास्टर स्ट्रोक खेलिछंती। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नबा। प्याज दर आखिरु बुहाइलाणी लुह, आकाशचान दर को नै ग्राहक हंतसंत। प्याज दर जेतेबेले आखिरु लुह बुआउछि सेतेबेले सामना को आसीछि ओडिसा रे प्याज चाष करथुवा चासिंग अभावी बिक्री रो कहानी। देवगढ़ रियामाल अंचल प्याज चाषरे प्रसिद्धि लाभ करछि। बरगढ़ टू आरंभ करी भुवनेश्वर पर्यंत रियामाल प्याज चाहिदा रहिछि। किंतु एबे जेउ प्याज दर आकाशचुआ होइछि सेही प्याज अमल करी देवगढ़ चासी किछि दिन तळे केमिति अभावी बिक्री रो शिकार होइथिले ताहा करंग न्यूज क्यामेरा रे बखाणिछंति। प्याज दर उपरमुहा होइछि, आगकु भी दर बढ़िबा आशंका करा जाउछि। यहारी भितरे भुवनेश्वर रे सस्तारे प्याज बिकिछि कांग्रेस। प्याज दर बढ़िबा नै राजनीति बयानबाजी भी कमी नाही। दर वृद्धि प्रसंग रे केन्द्र उपरे दोष लदिछि राज्य। खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कहिछंति केन्द्र सरकार एथि दृष्टि देवार आवश्यकता रहिछि। बीजेपी जवाब दे कहिछि राज्य सरकार जदि शीतल भंडार करी महजूद रखिथान्ते ताहले आज एहि परिस्थिति उपुजि नथान्ता। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नबा। श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक 4 रे श्रीमंदिर परिचालना कमिटी बैठक आसंता नवेम्बर 4 रे निद्राड़ी भक्त निवास सभागृह रे अनुष्ठित हेब। गजपती महाराजों अध्यक्षता रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही बैठक रे 7टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना हेबाकु थिबा बळे श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रतिष्ठा पूजा ओ लोकार्पण एथिरे प्रमुख प्रसंग रहिब। डिसेंबर 15 सुधा श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प काम शेष करबा और नुआ वर्ष परे परिक्रमा प्रकल्प भक्त पाई लोकार्पण लक्ष्य रखाइतवारु एहा पूर्वरु केउं दिन केउं समय रे प्रतिष्ठा पूजा ओ लोकार्पण हेबो से उपरे परिचालन कमिटी नीतिगत निष्पत्ति नेबो। सेई भळी जून 12 तारीख अगस्त 4 तारीख परिचालन कमिटी बैठक प्रस्ताव रो दृढ़ीकरण कार्तिक मास एहा पूर्वरु नीतिकांति समीक्षा श्रीमंदिर आदर्श गुरुकुल कार्यर अग्रगति सेवक बासगृह बावली मठ उन्नतीकरण संपर्क रे बैठक रे आलोचना हेबो। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नबा। पश्चिम ओडिसा धर्मघटरु ओहरिला घरै बस मालिक संघ। आज घरै बस मालिक संघ पश्चिम ओडिसा रे करिबाकु थवा धर्मघटरु ओहरिला। 10टी जिल्ला रे बस धर्मघट करिबाकु डाकरा देथिला संघ। मुख्यमंत्री भवानीपाटणा रे गतकाली लक्ष्मी बस योजना शुभारंभ करछंति। कलाहांडी जिल्ला पई चालिबो लक्ष्मी बस। पश्चिम ओडिसा रो 10टी जिल्ला रे 25टी संघ आज 24 घंटिया बस धर्मघट करथांते। एथिरु ओहरिगला राज्य घरै बस मालिक संघ। कलाहांडी जिल्ला रे केवल पंचायत रु ब्लॉक कु चालिबो लक्ष्मी बस। ब्लॉक रु जिल्ला मुख्यालय किंबा कटक भुवनेश्वर आसिबो नाही। तेणु पश्चिम ओडिसा रे प्रस्तावित धर्मघट रु घरै बस मालिक संघ ओहरिछि। ए संपर्क रे कहिछि घरै बस मालिक संघ रो साधारण संपादक देवेंद्र कुमार साहू। तो चालंतु परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइ नबा। सेमिलीगुड़ा और कोरापुट रे पारद 12 डिग्री को खसिला। गतकाली राज्यर विभिन्न स्थान रे पाग सुखिला रहिथिला। गतकाली रात्रि रे राज्यर केतेक स्थान रे तापमात्रा ह्रास पाइछि। राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा सेमिलीगुड़ा रे 12.2 डिग्री, कोरापुट रे 12.8 डिग्री, दारिंगबाड़ रे 13, उदयगिरी रे 13.2, फुलवाणी रे 18.1, नवरंगपुर रे 15.4 डिग्री रहिथिला। आसंदा 4-5 दिन पर्यंत राज्यर तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नाही। आसंदा कालीठारु दक्षिण ओडिसा रे विभिन्न स्थान रे हालुका मध्यधरण वर्षा होई पारे। आजिठारु दक्षिण ओडिसा रे विभिन्न स्थान रे हालुकारु मध्यधरण वर्षा होई पारे। रायगडा, कोरापुट, केंद्रापडा और जगतसिंहपुर जिल्लार विभिन्न स्थान रे हालुका वर्षा संभावना रहिछि। सेबळी आज उपकूल ओडिसा समेत सुंदरगढ़, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, कंधमाल, कलाहांडी, रायगडा, मालकानगिरी और कोरापुट जिल्ला रे केतेक अंश रे वर्षा संभावना रहिछि। तो दर्शक बंधु आपणानकु आमर गोटे छोटिया अनुरोध, आपण माने आम भिडियोटि केउ जिल्ला देखुछन्ति कमेंट रे जणाइबा सहित आपण नाटिक मध्ये कमेंट रे जणाइ दियंतु। ता सहित भिडियोटि संपूर्ण भाव देखिथिबारु आपणकु बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पई एतिकी एठी रहली, आसंता काली पुणी आपणानक पई नुआ लेट
ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।